आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, सवाल में दिया गया है कि 4L लंबाई तथा m द्रव्यमान की एक एक समान छड़ जो है वो l तथा 2L लंबाई की दो हल्की डोरियों द्वारा एक क्षैतिज छत से चित्रानुसार लटकी हुई है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो l लंबाई की बाई डोरी में तनाव क्या होगा, बाई डोरी में इसमें तनाव क्या होगा, इसमें हमसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं बच्चों, ये हमारे पास में अ ब स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो यहाँ पे ही होगा। द्रव्यमान केंद्र को सी एम लिखते हैं हम लोग, है ना, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो एम जी आ रहा होगा वो किधर आ रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ आ रहा होगा। ये है बच्चों हमारे पास में इसका एम जी। अच्छा, इसका एम जो है कैपिटल एम दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल एम ही काम में लेंगे, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, कैपिटल एम जी, है ना। अब ये पूरी की पूरी रोड कितने की थी, 4L की थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी बच्चा, ये वाली हो जाएगी मेरे पास में 2L, है ना, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी बच्चा हमारे पास में 2L, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी हमारे पास में हो जाएगी 2L, है ना। मान लेते हैं इसके अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है बच्चों वो ऊपर की तरफ में हो रहा है, ये वाला T1, है ना, और जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है बच्चों हमारे पास में तनाव T2। ठीक है, अब ये वाला जो है बच्चों ये साम्यावस्था की स्थिति है, यानी कि अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं ये कुछ इस तरीके से ये वाली चीज की इशू मान लेता हूँ, ये कितना है हमारे पास में थीटा है, कौन कितना है थीटा है। तब ध्यान से देखिए बच्चों कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके परितः जड़त्व कोण क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, यानी कि सी एम के परितः परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना, जड़त्व आघूर्ण, अच्छे से लिख देता हूँ, ये जो आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण, है ना, ये चीज निकाल लेते हैं, यही बराबर किसके हो जाएगा बच्चा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ से तो इधर की तरफ में ये T1 लग रहा है, यानी कि जो लिख रहा है ये T1 इनटू ये कितनी दूरी पर लग रहा है, ये लग रहा है बच्चों हमारे पास में 2L इनटू cos थीटा पर, कितने पर लग रहा है 2L इनटू cos थीटा पर लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो ये हो गया। अब उसके बाद में जो है ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा, ये T2 के लिए लिखूंगा तो T2 बराबर, है ना, क्योंकि ये जड़त्व आघूर्ण जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके कारण और इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको माइनस में लिख करके और इस तरीके से भी कर सकते हो, T2 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा T2 इनटू, है ना, यहाँ से भी अगर मैं ये करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा ये वाला भी, है ना, क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ से ये कोण थीटा है तो ये L cos थीटा हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों ये वाला मेरे पास में मान आ गया, यानी कि यहाँ से मेरे पास में क्या निकल करके आ रही है, यहाँ से तो ये चीज निकल के आ रही है, इसने इसको मार दिया, यानी कि T1 बराबर T2, है ना, और ये T1 बराबर T2 जो हो जाएगा वही बराबर किसके हो जाएगा बच्चा हमारे पास में mg बटे किसके बराबर हो जाएगा, T1 बटे T2 बराबर जो हो जाएगा mg बटे 2 के बराबर हो जाएगा, यही बच्चों इसका उत्तर है, है ना। ये कैसे करके क्या बच्चों, यहाँ से जो हमारे पास में ये वाली समीकरण बन रही है T1 प्लस T2 बराबर जो ये किया गया है वो कौन किया गया है बच्चों mg के बराबर, जब ये दोनों के दोनों बराबर है, है ना, यानी कि जो हमारे पास है T1 बराबर T2 बराबर mg हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अनोदर कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों इसके अंदर, तो ध्यान से देखिए बच्चों अनोदर कॉन्सेप्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, T2 के सापेक्ष परितः आघूर्ण निकाल लीजिए, है ना, T2 के परितः परितः ओ सॉरी ये जड़त्व आघूर्ण नहीं है बच्चों, ये बल आघूर्ण है ना, ये जड़त्व आघूर्ण नहीं है बच्चों, बल आघूर्ण है ये, है ना, बल आघूर्ण है ये। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों ये बलागुण है तो T2 के परिता बलागुण भी निकाल लीजिए, है ना, T2 के परिता बलागुण भी, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से कोई घुमाव उमाव तो हो नहीं रहा है, यहाँ से इसके परिता भी निकालेंगे तो भी ध्यान से देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg, है ना, और ये कितना आ जाएगा 2L cos थीटा, है ना, ये बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ पर T1 लग रहा है ऊपर की तरफ में, यानी कि T1, है ना, और ये कितना आ जाएगा 4L cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से भी जो है हमारे पास में T1 का मान आ जाएगा, यहाँ से ये cos थीटा गया, इसने इसको दो बार मार दिया, यानी कि जो mg बराबर आ गया मेरे पास में वो आ जाएगा 2T1, यानी कि T1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, वो आ जाएगा mg बटे 2। तो यहाँ से भी बच्चों आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में बलागुण था बच्चों, यहाँ पर गलती से जड़त्व आघूर्ण लिख गया था, ये बलागुण है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों mg बटे 2। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।